एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव टोनी ठाकुर ने बयान जारी करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार लगातार छात्र हितों को नजरअंदाज करते हुए उनकी जान जोखिम में डालने का काम करती आ रही है। पहले शिक्षण संस्थानों को खोलने का मूर्खतापूर्ण फैसला ले लिया, उसके बाद जब संक्रमित छात्रों की संख्या लगातार बढ़ोतरी हो रही है तो ये फैसला वापस ले लिया गया। उन्होंने कहा कि ऐसे कौन से सलाहकार तथा तकनीकी लोग जयराम ठाकुर ने रखे हैं जो ऐसे तुगलकी फरमान जारी करते हैं, चाहे छात्रों को प्रमोट करने की बात हो या अन्य कोई भी फैसला, मुख्यमंत्री लगातार अपनी बातों से पलट जाते हैं। प्रदेश में उनकी छवि पलटू राम बाली बन चुकी है। शाम को लिया फैसला जयराम सुबह बदल देते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि छात्र समुदाय की कक्षाएं कोरोना काल में लगाकर उन्होंने हजारों छात्रों की जान जोखिम में डाल दी। सैकड़ों कोरोना केस आने के बाद अब जाकर उन्होंने अपना फरमान वापस लिया है। उन्होंने कहा कि एनएसयूआई उम्मीद करती है कि वे भविष्य में इस तरह के फैसले नहीं लेंगे जिससे उन्हें शर्मिंदा होना पड़े। साथ ही उन्होंने नर्सिंग और आईटीआई के छात्रों को प्रमोट करने की मांग भी सरकार के समक्ष उठाई है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो फैसला स्कूलों को 25 नवंबर तक बंद करने का लिया गया है, उसका एनएसयूआई हिमाचल प्रदेश स्वागत करती है। लेकिन हम माननीय जयराम महोदय जी से एक सवाल जो है आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी थी कि कोरोना एपिडेमिक में जो इस तरह का माहौल पूरे प्रदेश के अंदर था, तो इस माहौल में शिक्षण संस्थानों को खोलने की क्या ज़रूरत आन पड़ी थी। और आप लोग देखेंगे कि 104 के करीब जो केसेज माननीय जयराम जी के गृह जिला में ही आए हैं, तो सैकड़ों बच्चों की जान जोखिम में डालने के बाद उन्होंने अपना ये तुगलकी फरमान वापस लिया है। और मैं हमीरपुर जिला की ही बात करूं तो दर्जन भर के करीब 15 से 20 अध्यापक जो थे वो कोरोना संक्रमित पाए गए थे। तो इतनी सारी जो हैं वो जान जोखिम में डालने के बाद ये फैसला सरकार द्वारा वापस लिया गया। देखिए, हमें तो समझ नहीं आता कि ऐसे कौन से टेक्निकल लोग और सलाहकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने रखे हैं जो फैसला वो शाम को लेते हैं सुबह पलट देते हैं। तो उनकी जो पलटू राम वाली छवि है वो पूरे प्रदेश में पलटू राम वाली ही छवि है। तो ऐसे सलाहकार उन्होंने रखे हैं जिसकी वजह से उनके फैसले जो हैं वो हंसी के पात्र बन रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो भविष्य में ऐसे फैसले जो हैं वो लेने से बचेंगे, चाहे छात्रों को कोरोना एपिडेमिक के बीच में प्रमोट करने की बात हो, नर्सिंग की छात्राओं को प्रमोट करने की बात हो, आईटीआई के छात्रों को प्रमोट करने की बात हो। तो इन सब फैसलों में जो देरी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जयराम जी द्वारा ली जा रही है वो कहीं ना कहीं हमारे समझ से परे हैं। और हम एनएसयूआई के बैनर तले हर उस नीति का सरकार का विरोध करते हैं जो छात्र हित या युवाओं के हित में ना हो। और हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में वो पलटू राम जी, माननीय जयराम जी इस तरह के फैसलों को लेने से बचेंगे। धन्यवाद।